बहुत इम्पोर्टेंट बात कि कैरियर गाइडलाइन के हवाले से कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं मेडिकल इंजीनियरिंग के, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं पाकिस्तान में रहते हुए, बाहर रहते हुए। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरी जो इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। देखिए, पहले बात तो ये होती है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका बहुत एक शदीद गोल होता है कि हमने डॉक्टर बनना है। जो डॉक्टर भी कहाँ से बनना है भाई, आ खान मेडिकल यूनिवर्सिटी से बनना है, या इंजीनियरिंग कहाँ से करनी है, नर्स से करनी है, ओबीसी इस्लाम वाले से करनी है। अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। आप ये देखें कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, ठीक है ना। अब कोई स्टूडेंट है इंटर में फेल हो रहा है और वो कह रहा है मैं सीए कर लूँगा। अबे भाई, तुझसे इंटर हो नहीं रहा, सीए कहाँ से कर लेगा, ठीक है। बहुत सारी अम्माएँ कंपैरिजन करती हैं कि मेरी नंद के बच्चे ने एडमिशन लिया है, वहाँ तो मैं भी अपने बच्चे का आईबीए में कराऊंगी। माजरत के साथ, आपके बच्चे में आईबीए वाला गले पड़ नहीं है। अब ये देख लो कि कर क्या सकता है। अब साइंस के स्टूडेंट से अगर पूछो यार मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, इन दो बातों के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हो। हालांकि बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनका स्कोप मेडिकल इंजीनियरिंग से हज़ारों गुना बेहतर है, लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज़ पता ही नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ना पाकिस्तान में होता है, वो ए लेवल ले लेते हैं, जबकि पाकिस्तान में पढ़ने के लिहाज से ए लेवल बिल्कुल सूदमंद नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, आपको बहुत नुकसान होता है। और अगर आपको बाहर जाना है तो ए लेवल बहुत बेहतर है। प्री मेडिकल ऐसे स्टूडेंट ले लेते हैं जिनको बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ड्राइंग बहुत ख़राब होती है, मैथ्स अच्छी होती है। और मेडिकल कुछ बच्चों ने इंजीनियरिंग ले ली जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, पता चला 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इंटर ही साइंस ही से क्लियर नहीं कर पाए। अब आप देख लेंगे यार आपके अंदर पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि लोग डॉक्टर बनते रहे, और नहीं भी बनते रहे तो आप डॉ में जा सकते हैं। इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 75-80 तक परसेंटेज है, तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि भाई मैं जा सकता हूँ, ठीक है। डॉ के पास पेपर्स की बुक मेरी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं मार्केट में से, और नर्स के पास पेपर्स की बुक्स भी मेरी अवेलेबल हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी मार्केट में। तो उन बुक्स को जब आप देखते हैं, उन बुक्स से आपको आइडिया हो जाता है, ये तो डॉ के पास पेपर की बुक है, आपको कराची के किसी के बुक शॉप से मिल जाएगी, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एनईडी के पास पेपर रहेंगी। आप थोड़ा ये देखोगे यार मुझसे पास पेपर सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मतलब 100 में से आप 15-20 सवाल ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका चांस नहीं है। अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ तो ISSB बेहतरीन फील्ड, चाहे आप आर्मी में जाओ, नेवी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, उसके टेस्ट की तैयारी भी हम लोग कराते हैं, IQ की प्लेलिस्ट मौजूद है। लेकिन उसके लिए आपका फिजिकली फिट भी होना चाहिए। आप बड़े बर्गर हो, उठते 3-3 बजे हो, ठीक है, ज़रा सा कोई आपका हाथ पकड़ते हैं अल्लाह मियाँ छोड़ो, नहीं हो सकता ना, यूँ कर हल्के से मारते हो, मार देता ज़ालिमा ऐसे। उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, आपको ड्रिल वगैरह एक्सरसाइज वाला होना चाहिए। फिर क्या चीज़ होती है मेडिकल साइंस पर, आपको बताऊँ, बी फार्मेसी है, डेंटल सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसके करोड़ों अरबों रुपए में लोग कमा रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग साइड पे बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं, लाइक कंप्यूटर सिस्टम वगैरह में आप चले जाते हैं, एरोनॉटिकल साइड पे चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप जा सकते हैं। बहुत सारे आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी होती हैं कि आप कॉमर्स साइड पे BBA कर लें। आप बोले सर हमने तो मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे BBA में, अरे यार कुछ नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने खुद साइंस का भी किया है, ग्रेजुएशन कॉमर्स का भी किया है, सारे किए, तो मुझे पता है कि साइंस वाले के लिए तो और आसान होता है पढ़ना, मार्केटिंग वगैरह के सब्जेक्ट में आपकी IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटर साइंस के बाद आप BBA कर सकते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है। एक और बड़ी अच्छी फील्ड होती है मास कॉम, मीडिया साइंस, दौरी मीडिया का कराची यूनिवर्सिटी का वाहिर डिपार्टमेंट जिसके स्टूडेंट्स की जॉब लग जाती है वो मीडिया साइंस। बाकी जॉब पे तो आप पास आउट होंगे तो भी ये डाउटफुल है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो मेरे भाई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास हर कदम पे आती है। फिर क्या, आपका चाहे एडमिशन हो जाए ले लें। एक मेरे पास स्टूडेंट आया नर्स में, बड़ा अच्छा स्कूल ले आया, एडमिशन हो गया, नर्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद में वो भी, उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहा है, सर सैद का दे रहा है, अजीब आदमी। फिर एक दिन उसकी बहन मुझे कह रही है कि मैं CA करा दूँ। यार आप क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हो भाई, एक जब अच्छी आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल गई और आपका दिल भी इंजीनियर बनने को था, या तो आपको चले दिल नहीं था,